सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले स्पाइडर नाम के एक मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। स्पाइडर एक शॉर्ट और मीडियम रेंज का मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे इजराइल की रफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ संयुक्त रूप से विकसित किया है। और इस स्पाइडर प्रोग्राम में रफेल एडवांस इसके प्राइमरी कॉन्ट्रैक्टर है और जबकि इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज इसके मेजर सब कॉन्ट्रैक्टर के रूप में शामिल है। इस एयर डिफेंस सिस्टम में दो तरह की मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है, एक पाइथन और दूसरी डर्बी, और इसीलिए स्पाइडर का मतलब है सरफेस टू एयर पाइथन एंड डर्बी। अगर बात करें इसके स्पेसिफिकेशंस की तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इस एयर डिफेंस सिस्टम में दो तरह की मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है, एक पाइथन 5 मिसाइल और दूसरी डर्बी मिसाइल। पाइथन 5 मिसाइल का वजन करीब 105 किलोग्राम है और डर्बी मिसाइल का 118 किलोग्राम। और पाइथन 5 11 किलोग्राम तक के वॉरहेड को कैरी करने में सक्षम है और जबकि डर्बी मिसाइल करीब 23 किलोग्राम तक के वॉरहेड को कैरी कर सकती है। अगर बात करें इस एयर डिफेंस सिस्टम के मेन आर्मामेंट की तो इसमें एक बार में 4 मिसाइल्स को लोड किया जा सकता है, और अगर आप चाहें तो इसे एक बार में 4 पाइथन 5 या डर्बी मिसाइल से लोड कर सकते हैं, और चाहे तो इस सिस्टम में पाइथन 5 और डर्बी मिसाइल दोनों के कॉम्बिनेशन को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें इस्तेमाल की गई पाइथन 5 मिसाइल इसराइल की सबसे कैपेबल एयर टू एयर मिसाइल्स में आती है, और साथ ही इसे लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च जैसे फीचर से भी इक्विप्ड किया गया है। और जबकि इस सिस्टम में इस्तेमाल की गई डर्बी मिसाइल एक एक्टिव रडार होमिंग एयर टू एयर मिसाइल है और ये फायर एंड फॉरगेट ऑप्शन के साथ भी आती है, और ये दोनों ही मिसाइल मैक 4 यानी करीब 4,939 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ने में सक्षम है। और अगर बात करें इसके ऑपरेशन रेंज की तो ये सिस्टम शॉर्ट रेंज में 20 किलोमीटर और मीडियम रेंज में 50 किलोमीटर तक के टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। और इस डिफेंस सिस्टम को टाटा ट्रक, मर्सिडीज बेंज एक्ट्रेस ट्रक, बैंक टीजीएस ट्रक, स्कैनिया पी सीरीज ट्रक, डोंगफेंग ट्रक और ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर पे माउंट किया जा सकता है। इंडियन एयरफोर्स के लिए भारत द्वारा इस डिफेंस सिस्टम को खरीदने के लिए अगस्त 2009 में एक मल्टी बिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था, और उसके बाद स्पाइडर सिस्टम की पहली डिलीवरी 2012 में की गई थी, जिसके तहत 18 स्पाइडर मीडियम रेंज डिफेंस सिस्टम को खरीदा गया था, जिसमें 750 पाइथन 5 सरफेस टू एयर मिसाइल और 750 डर्बी सरफेस टू एयर मिसाइल भी शामिल थी। और मौजूदा समय में भारत के अलावा इस डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल जॉर्जिया, सिंगापुर और वियतनाम द्वारा भी किया जाता है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।